नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बात करते हैं क्रिटिकल इंटरनेशनल न्यूज की। अर्मेनिया और अजरबैजान, ये दो देश रशिया, टर्की और ईरान के बीच में सिचुएटेड हैं वर्ल्ड मैप पर, और आज के दिन इन दोनों देशों के बीच में एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट चलने लग रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होकर एक फुल ब्लोन जंग में भी बदल सकता है। तो क्या हो रहा है इनके बीच में, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, क्या जियोपॉलिटिकल गेम्स यहां पर खेले जा रहे हैं और हम इससे क्या सीख ले सकते हैं, आइए जानते हैं सारी चीजें आज के इस वीडियो में। पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग शायद ज्यादा जानते ना हो इन दोनों कंट्रीज के बारे में। अर्मेनिया जो देश है, ये एक छोटा सा देश है, 3 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है। फ्लैग इनका ऐसा दिखता है और यहां रहने वाले लोग मेजॉरिटी क्रिश्चियन है। 95% पॉपुलेशन इनकी तकरीबन क्रिश्चियन रिलीजन को प्रैक्टिस करती है, लेकिन ये एक सेक्युलर कंट्री है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान भी कोई इतना बड़ा देश नहीं है, 10 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है और ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। 99% लोग अजरबैजान में रहने वाले मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये भी अर्मेनिया की तरह एक सेक्युलर कंट्री है। लोगों को आजादी है, जो रिलीजन वो प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं। रिलीजन में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि काफी लोगों को ऊपर ऊपर से देखकर लगेगा कि इन दोनों कंट्रीज के क्लैश के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रिलीजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हिस्टोरिकली ये दोनों कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी 1990 से पहले, लेकिन जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए तो इन दोनों कंट्रीज को आजादी मिली। इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। इसी डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर आज इन दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई चलने लग रही है। आप मैप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो ऑरेंज पार्ट है वो अजरबैजान है, लाइट ग्रे वाला पार्ट अर्मेनिया है, डार्क ग्रे वाला पार्ट अर्मेनिया ऑक्यूपाइड है, और जो रेड रीजन है वो है नगोर्नो काराबाख वाला रीजन। दोनों कंट्रीज कहती हैं ये नगोर्नो काराबाख रीजन इन्हें बिलोंग करता है, बिल्कुल कश्मीर की तरह, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। और बिल्कुल कश्मीर की ही तरह, जैसे कुछ एरिया कश्मीर का पाकिस्तान के कंट्रोल में है, कुछ एरिया इंडिया के कंट्रोल में है, ऐसे ही नगोर्नो काराबाख का कुछ छोटा सा एरिया अजरबैजान के कंट्रोल में है, जो अजरबैजान के बॉर्डर के पास है, लेकिन मेजॉरिटी एरिया यहां पर अर्मेनिया के कंट्रोल में है। थोड़ा आप मैप पे जूम इन करके देखेंगे तो आपको एक डॉटेड लाइन दिखेगी, और ये डॉटेड लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो बताती है कि अर्मेनिया का कंट्रोल कहां तक है और अजरबैजान का कंट्रोल कहां तक है। तो ये जो नागोर्नो काराबाग का रीजन है, ये बहुत ही हेविली फॉरेस्टेड माउंटेनियस एरिया है, इसे एक्सेस करना इतना आसान नहीं है, तो काफी कम लोग रहते हैं यहां पर। 2015 के एक सेंसस ने बताया था कि 1.5 लाख लोग यहां की पॉपुलेशन है इन एन एरिया ऑफ 4,400 स्क्वायर किलोमीटर्स, और यहां रहने वाले लोग मेजॉरिटी एथनिकली अर्मेनियन है। 99.7% पॉपुलेशन यहां की एथनिकली अर्मेनियन है। हिस्टोरिकली 1920 से ही ये रीजन बहुत डिस्प्यूटेड रहा है। जब ये सोवियत यूनियन के अंदर था तब ये अजरबैजान स्टेट के अंदर आता था, लेकिन वहां पर भी ये ऑटोनोमस रीजन था, यानी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंटर था। तो उस समय सेंटर गवर्नमेंट मॉस्को में थी, मॉस्को इस ऑटोनोमस रीजन को डायरेक्टली कंट्रोल करता था। तो जब 1990s के अराउंड सोवियत यूनियन टूटना शुरू हुआ, यहां रहने वाले लोगों के पास खबर पहुंची कि सोवियत यूनियन सरकार जाते जाते इस रीजन को अजरबैजान के कंट्रोल में दे जाएगी, यहां रहने वाले एथनिक अर्मेनियंस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी रीजन से 1988 में नगोर्नो काराबाख का जो लेजिस्लेचर था उसने वोट किया कि ये अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन ये वोटिंग के जरिए उठाई गई डिमांड ना ही अजरबैजान की नई सरकार को पसंद थी, ना ही सोवियत सरकार को और मॉस्को को, उन्होंने इसे स्ट्रांगली अपोज किया। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो अर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने इस टेरिटरी को सीज कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी रीजन से 1991 से लेकर आज तक इस एरिया का जो अर्मेनियन कंट्रोल्ड पार्ट है उसे रूल किया जाता है अर्मेनियन सेपरेटिस्ट के द्वारा, जिसे अर्मेनियन सरकार सपोर्ट करती है। इवन दो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ नागोर्नो काराबाग का रीजन रिकग्नाइज किया जाता है कि ये अजरबैजान का पार्ट है, क्योंकि सोवियत यूनियन ने टूटते टूटते कहा था कि अजरबैजान ये कंट्रोल करेगा। तब से लेकर आज तक ये एरिया कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। हर कुछ साल बाद उसके बाद से अर्मेनिया और अजरबैजान इसको लेकर लड़ाई करते रहे हैं, जंग छिड़ती रही है, सीज फायर वायलेशंस होते रहे हैं, हजारों लोग मारे गए हैं। रीसेंट एग्जाम्पल आज अभी चलने लग रहा है अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में जो लड़ाई है, इससे पहले 2016 में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसको लेकर, कुछ सालों के लिए बीच में पीस था। ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। ओवर द ईयर्स अटेम्प्ट किया गया था कि इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला जा सके। एक मिन्स्क ग्रुप बनाया गया था जिसे हेड किया गया था फ्रांस, यूएसए और रशिया के द्वारा, कि वो मीडिएट करके इन दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत करवा के एक पीसफुल सोल्यूशन निकाल सकें।
मई 1994 में रशिया ने मीडिएट किया था एक सीज फायर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जिसके बाद से अर्मेनिया को ऑलमोस्ट फुल कंट्रोल मिल गया नागोर्नो काराबाख रीजन का। आज का जो 2020 का कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है वो भी इसी डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर चल रहा है। एलओसी पर लड़ाई चलने लग रही है। दोनों कंट्रीज कहती है कि हमने लड़ाई शुरू नहीं करी। अजरबैजान कहता है कि अर्मेनिया ने पहले फायर किया था। अर्मेनिया कहता है अजरबैजान ने इस लड़ाई की शुरुआत करी थी। लेकिन रशिया यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, क्योंकि रशिया अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ क्लोज रिलेशंस में है। रशिया का एक मिलिट्री बेस है अर्मेनिया में और अजरबैजान रशिया के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बायर्स ऑफ वेपन्स है। यानी रशिया अपने हथियार अजरबैजान को बेचता है और अर्मेनियन लोग इस चीज से खुश नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं रशिया हमारा एलाय है लेकिन फिर भी हमारे दुश्मन देश को वहां पर हथियार बेचने लग रहा है। हिस्टोरिकली जब भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई छिड़ी है, रशिया ने ही कोशिश करी है इस लड़ाई को रुकवाने की, लेकिन अभी तक रशिया की तरफ से कोई सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं लिया गया है कि ये लड़ाई रुक सके। इस बारी की लड़ाई में एक और बहुत बड़ा प्लेयर शामिल है और वो है एर्डोगन का टर्की। टर्की ने ओपनली कहा है कि अजरबैजान उनका लॉन्ग टर्म एलाय है, अर्मेनिया यहां पर गलत है और अजरबैजान को अगर किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत पड़े वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट भी क्यों ना हो। इसके रिस्पांस में अर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो एग्रेशन है ये प्री प्लान्ड थी, ना सिर्फ अजरबैजान के द्वारा बल्कि टर्की के मैसिव सपोर्ट की वजह से अजरबैजान उस डिस्प्यूटेड एरिया को वापस ऑक्यूपाई करना चाहता है। और यहां पर आर्ग्यू किया जा सकता है कि टर्की और अजरबैजान दोनों मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में आ खड़ी हो रही हैं। न्यूज में यह भी आया था कि पाकिस्तान भी कुछ अपने सोल्जर्स अजरबैजान के सपोर्ट में भेज रही हैं, हालांकि पाकिस्तान ने उसे डिनाई कर दिया है। लेकिन इससे बड़ा रीजन दोस्तों, रिलीजन से बड़ा रीजन यहां पर है जियोपॉलिटिक्स। टर्की और अजरबैजान दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। टर्की यहाँ पर बड़ी कंट्री है, इंडिया की तरह समझ लो, और अजरबैजान एक छोटी कंट्री है, तो क्यों नहीं चाहेगा टर्की अपना इन्फ्लुएंस जमाना अपने आसपास के रीजन पर। टर्की अजरबैजान के ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स का वन ऑफ द मेन इंपोर्टर्स है, और जब बात ऑयल और गैस पर आ जाती है तो कौन सी कंट्री नहीं चाहेगी यहाँ पर उस कंट्री के साथ एलाय बनना। साथ ही साथ अजरबैजान वन ऑफ द मेन इन्वेस्टर्स है टर्की में, तो इकोनॉमिक टाइज यहां पर बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे के। दूसरी तरफ अर्मेनिया और टर्की के बीच में हिस्टोरिकली रिलेशंस खराब रहे हैं, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के वक्त 20th सेंचुरी के शुरू में वन ऑफ द फर्स्ट जेनोसाइड कंडक्ट किया गया था अर्मेनियंस के खिलाफ बाय ऑटोमन टर्क्स, जिसे टर्की डिनाई करता है और अजरबैजान भी डिनाई करता है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे अगर मोटिवेशंस को समझना है तो मेरी राय में दोस्तों इंटरनल पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है दोनों कंट्रीज की। अब बात क्या है दोस्तों, अजरबैजान जो देश है वो कहने के लिए एक रिपब्लिक है लेकिन रियलिटी में एक डिक्टेटरशिप है। जब ये देश आजाद हुआ था इसके प्रेसिडेंट थे हैदर अलीयेव, 2003 तक ये प्रेसिडेंट रहे, इनके बाद इनके बेटे प्रेसिडेंट बन गए इलहाम अलीयेव, जो कि आज के दिन तक अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं। 2003 से लेकर आज तक ये सारी इलेक्शंस एक के बाद एक जीतते रहे 80% या उससे ज्यादा वोट शेयर के बाद, जिससे साफ पता हो जाता है कि यहां पर देश में कोई ऑपोजिशन नहीं, ऑपोजिशन जेल के अंदर बैठा है, कोई फ्री मीडिया नहीं है इस देश के अंदर, वो भी जेल में बैठा है, 160 से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं अजरबैजान के अंदर, जो भी इनके प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाता है वो सीधा जेल में जाता है। रिसेंटली अलीयेव ने एक ये रूल भी बदल दिया कि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज लिमिट होती है वो 35 साल थी पहले, अब वो सिर्फ 18 साल होगी। तो कई लोग मानते हैं कि इन्होंने इसलिए किया ताकि 2025 में उनके बेटे नेक्स्ट सक्सेसर बन सके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन सके अजरबैजान के। तो यहां पर एक मोनार्की चलने लग रही है, पहले पापा फिर बेटा, यहां पर एक के बाद एक सब रूल कर रहे हैं इस कंट्री को। कोई इंडिपेंडेंट एनजीओज नहीं बचे देश में, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं बचा देश में। इसी रीजन की वजह से दोस्तों इस कंट्री का डेमोक्रेसी इंडेक्स है 146 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। ये इस कंट्री की डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंक है, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। ये कहानी काफी सिमिलर है बेलारूस देश से, अगर आपको याद हो तो बेलारूस के डिक्टेटर पर भी मैंने यहां वीडियो बनाया था जिसके खिलाफ आज के दिन प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अर्मेनिया की हालत काफी बेहतर है डेमोक्रेसी के मामले में। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इनकी रैंक है 86 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। कोई टॉप पे रैंक नहीं करती है लेकिन अजरबैजान के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज से 2 साल पहले अर्मेनिया का भी उतना ही बुरा हाल था जितना अजरबैजान का है डेमोक्रेसी के मामले में, लेकिन 2018 में इनकी एक वेलवेट रेवोल्यूशन हुई। इस रेवोल्यूशन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए अपने डिक्टेटर के अगेंस्ट विद देयर ऑपोजिशन लीडर निकोल पाशिनान। अब 2.5 लाख को इतना बड़ा नंबर नहीं लगेगा आपको, लेकिन याद करिए अर्मेनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 30 लाख के अराउंड है, तो 30 लाख में से 2.5 लाख लोग सड़कों पर उतर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हैरानी की बात यह है कि ये कंप्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट था,
ये फ्रॉड इलेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि एक डिक्टेटर थे। और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा रीसेंट टाइम्स में। एक गोली तक नहीं चली इस पूरे प्रोटेस्ट में, किसी इंसान की जान नहीं गई, लेकिन पूरी डिक्टेटरशिप सिस्टम को ओवरथ्रो कर दिया गया, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करी गई और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, जिसमें निकोल पाशिनियान जो कि ऑपोजिशन लीडर थे वो बन गए इस देश के नए प्रधानमंत्री, जो कि आज के दिन भी यही प्रधानमंत्री हैं। अल जजीरा जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अलीयेव अजरबैजान के प्रेसिडेंट और निकोल आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों का इंटरव्यू लिया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, आप दोनों को जाकर देख सकते हैं, दोनों की बातें सुन सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है देखना कि दोनों अपनी साइड को किस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है दोनों इंटरव्यूज को आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन यहां पर ज्यादा सही है। ज्यादा सही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों साइड ने यहां पर कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं। On many occasions, I raised this issue and was saying that international sanctions must be imposed on Armenia to force them to comply with resolutions and to start liberation of our territories. But my appeals were not answered properly. And now it's what's happening is a result of Armenia's destructive policy. When there is an attack, when there is aggression, the very first task is to protect from that aggression and to stop that aggression, after which only will it be possible to talk about negotiations. दोनों कंट्रीज में ही पिछले 20-30 सालों में जबरदस्त प्रोपेगेंडा फैलाया गया है एक दूसरे की कंट्री के अगेंस्ट, कि आज के दिन इनकी जो नई जनरेशन पैदा होती है, बच्चे छोटी उम्र से ही एक दूसरे की कंट्री को हेट करना सीखते हैं। 2012 के एक ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग 91% अजरबैजानी लोग मानते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही चीज दूसरी कंट्री में पूछी गई तो 63% आर्मेनियंस मानते हैं कि अजरबैजान आर्मेनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों कंट्रीज में मीडिया एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है। नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं आर्मेनियंस के अजरबैजानी मीडिया में, जो कि मास मीडिया आउटलेट्स में शेयर किए जाते हैं। हालत इतनी बुरी है कि अजरबैजान की स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी आर्मेनियंस को बैंडिट्स, एग्रेसर्स, ट्रेचरस, हिपोक्रिटिकल कहकर दर्शाया गया है, लिखा गया है। अजरबैजानी हिस्टोरियन आरएफ यूनुस के अकॉर्डिंग स्कूल की किताबों में हिस्ट्री को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि बच्चों के अंदर हेट्रेड की फीलिंग जागे और वो अपने आप को एथनिकली और नेशनली सुपीरियर समझे आर्मेनियंस से। इस प्रोपेगेंडा का असर सेलिब्रिटीज और नेशनल आइकन्स में भी दिखता है। 2007 में एक बड़े फेमस अजरबैजानी चेस प्लेयर हैं तैमूर राजाबोफ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, द एनिमी इज द एनिमी, वी हेट आर्मेनियंस, ओपनली ये कहा था। नेशनलिज्म जब इस हद तक पहुंच जाता है तो इससे बस देश और दुनिया में नफरत फैलती है और वायलेंस होता है और कुछ नहीं होता। 1988 और 1990 के बीच में आर्मेनियंस के खिलाफ अजरबैजानी शहरों में पोग्रोम्स कंडक्ट हुए, जिसमें 350,000 से ज्यादा आर्मेनियंस को घर छोड़कर भागना पड़ा या मारे गए। ये सिर्फ वन साइडेड नहीं था, हिस्टोरिकली 1918-1920 के अराउंड नेशनलिस्ट आर्मेनियन लोगों ने अजरबैजानीज के खिलाफ भी बहुत मैसेकर्स किए हैं, जो कि अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अजरबैजान की इकोनॉमी ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ऑयल वन ऑफ द ओनली एंड मेन सोर्स है अजरबैजान की इकोनॉमी के लिए पैसे कमाने का। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल ऑयल प्राइसेस बुरी तरह से क्रैश कर गए थे, नेगेटिव में भी चले गए थे, तो ये जो भी ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। और उसके बाद आई कोविड-19 की क्राइसिस, तो अजरबैजान की जो इकोनॉमी है वो तबाह हो रखी है। लोग बहुत गुस्से में हैं, लेकिन अजरबैजान के लोग इतने नेशनलिस्ट हैं कि खुद के पास चाहे रोटी कपड़ा मकान ना हो, खुद के देश में हालत इतनी खराब हो, ब्लेम साइड वाले देश को ही करेंगे, ब्लेम आर्मेनिया को ही करेंगे। जुलाई 2020 में बकायदा 200 प्रोटेस्ट निकाले गए थे अजरबैजान में, इनकी डेमोक्रेसी की डिमांड करने के लिए नहीं, इकोनॉमी बचाने के लिए भी नहीं, इनके प्रोटेस्ट निकाले गए थे कि आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दो, वॉर कर दो आर्मेनिया के खिलाफ। ये प्रो मिलिट्री प्रोटेस्ट थे जो कि धीरे धीरे एंटी गवर्नमेंट भी बन गए थे। प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट की बिल्डिंग में घुस गए, प्रेशराइज कर रहे थे अपने डिक्टेटर को कि जंग छेड़ो आर्मेनिया के खिलाफ। ये चाहते हैं उस डिस्प्यूटेड रीजन को वापस अजरबैजान का पार्ट बनाए, और अजरबैजान के डिक्टेटर्स के लिए एक आसान अपॉर्चुनिटी है कहा जाए तो। नेशनलिस्ट सेंटीमेंट इतना ज्यादा है अजरबैजानी लोगों में कि अगर आर्मेनिया से उन्हें डिस्ट्रैक्टेड रखा जाएगा तो शायद कभी वो डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल ना उठाएं, इकोनॉमी के ऊपर सवाल ना उठाएं, और इस तरह से अपनी डिक्टेटरशिप की कुर्सी बची रहेगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकल भी जाती है, कई दशकों लग जाएंगे कि इन दोनों कंट्रीज में रहने वाले लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखें।
शायद यही रीजन है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान लोग अपने जमाने में भी सीख गए थे कि नेशनलिज्म क्या करने पर मजबूर कर सकता है लोगों को। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बड़ी फेमस लाइन है, नेशनलिज्म इज अ ग्रेट मेनेस, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, नेशनलिज्म सिर्फ एक बहाना है एग्रेशन के लिए। नेशनलिज्म अगर एक हद से पार हो जाए तो उससे बस दुनिया भर में लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वायलेंस होगा और कुछ नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, इस डिस्प्यूटेड एरिया का क्या सोल्यूशन निकल सकता है? क्या ये आर्मेनिया को दे देना चाहिए क्योंकि आर्मेनिया कंट्रोल्ड है आज के दिन, या फिर ये अजरबैजान के पास जाना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये अजरबैजान के पास बिलोंग करता है, या फिर इसे इंडिपेंडेंट रखा जाना चाहिए जैसा ये सोवियत यूनियन के टाइम होता था? नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी राय क्या है इस सिचुएशन के बारे में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/dhruvrathi पे या यूट्यूब पे मेंबर बनके ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं और आपको रिटर्न में एक्सक्लूसिव चीजें मिलेंगी, जैसे कि फुल इंटरव्यूज जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं तो, अनएडिटेड इंटरव्यूज और कस्टम इमोजीज कॉमेंट्स में। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।